हिसार जिले में मौजूद हड़प्पा कालीन सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा है। इसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली की निगरानी में चौथी बार यहां के टीलों की खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान टीला नंबर 3 पर हड़प्पन टाउन प्लानिंग की काफी बड़ी साइट पाई गई है। इससे ये साबित हो गया है कि 5000 साल पहले भी ऐसी तकनीक से शहर बसाए जाते थे, जो तकनीक आज हम बड़े शहरों को बसाने के लिए अपना रहे हैं। इसी बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने राखी गढ़ी के एक प्राचीन स्थल का दौरा किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने बताया कि राखी गढ़ी में अभी तक केवल 3 बार ही खुदाई हुई थी। अब टीला नंबर 1, 3 और 7 पर खुदाई जारी है। टीले नंबर 3 पर पहली बार की खुदाई हो रही है। राखी गढ़ी में है, यहाँ 2 विलेज है, राखी गढ़ी और राखी गढ़ी खास। इन दोनों विलेज को मिला के ये इसमें 7 अलग अलग टीले हैं और इन 7 टीलों पे हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं और पहले भी यहाँ पे एक्सकवेशन हुए हैं और ये तृतीय चरण हम कह सकते हैं कि ये 3rd फेज का एक्सकवेशन है। और 3rd फेज के एक्सकवेशन में हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले प्रकाश में नहीं आए थे। तो उन चीज़ों को देखने के दौरान अगर आप माउंट नंबर 1 पे देखें तो इसमें एक वेल लेड प्लानिंग दिखाई देता है कि एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के दोनों तरफ दीवारें खड़ी हैं जो अलग अलग फेजेस के हैं, उसके साथ हाउस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम है जो आपने देखा होगा माउंट नंबर 3 पे, बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर का सपोर्ट है, साथ में ड्रेनेज भी है, वो बर्न ब्रिक के पेविंग के साथ बना है। उसके साथ साथ जो कल ये पॉटरी के कंपोनेंट है वो वैरायटी ऑफ पॉटरी है जिसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स आप दिखाई देती हैं। उसकी साउंड भी अगर देखेंगे तो मेटेलिक साउंड दिखाई देता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो किस तरह से अपनी बेकिंग टेक्निक जो है वो कितनी इम्प्रूव रही होगी। इसके साथ साथ जो मेटेरियोलॉजी है, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, गोल्ड के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं और कॉपर एंटीमोनी रॉड है या कॉपर पॉइंट है, कॉपर चीजल है, वो सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। साथ में आप सेमी प्रीसेस स्टोन के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, बीड्स मिल रहे हैं, बहुत सारी आर्टिफैक्ट। उसके साथ सील और स्क्रिप्ट के साथ स्टेटाइट सील भी हमें मिले हैं और उसमें स्क्रिप्ट भी है और मोटिफ भी है। इसके अगर सीलिंग भी हमें मिला है जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ साथ एलिफेंट का डिपिक्शन है। तो ये एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग कि पूरा कल्चर में किस तरह की डाइवर्सिटी है। इस बार की खुदाई के दौरान साइट नंबर 1 पर 2.5 मीटर चौड़ी गली निकली है जो हड़प्पन लोगों के रहन सहन को दर्शाती है। इस गली में दोनों तरफ कच्ची ईंटों की दीवारें हैं। टीले नंबर 7 की खुदाई में नरकंकाल भी निकला है। खुदाई के दौरान मिले कंकाल के सिर के पीछे हड़प्पा कालीन समय के काफी बर्तन मिले हैं, जिनमें मटकी, कटोरा, ढक्कन, बड़ा मटका, प्लेट, जार, स्टैंड के ऊपर रखने के बर्तन शामिल हैं। गौरतलब है कि अभी तक खुदाई में तीनों साइट पर कुल 38 कंकाल मिल चुके हैं। फिलहाल 7 नंबर साइट पर 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं। इनके हाथों में चूड़ियां हैं और उनके पास से एक शीशा, मन के और शैल भी मिले हैं। यही नहीं, एक कंकाल को DNA के लिए विश्लेषण किया गया है। इससे साबित हुआ है कि वो मूल रूप से भारतीय थे। इससे पहले साइट नंबर 3 पर खुदाई के दौरान जली हुई पक्की ईंटों की एक चौड़ी दीवार मिली है। दीवार के साथ में ही नीचे एक पक्की नाली भी मिली है। ऐसी नाली पहली बार मिली है। नाली का आकार बिल्कुल सीधा है। आज के समय में जिस तरह से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई जा रही हैं, पहले भी वही तरीका अपनाया जाता था। डॉक्टर संजय मंजुल ने कहा कि हड़प्पा संस्कृति ये बयां करती है कि उन लोगों ने भी अपने जीवन में कितनी उन्नति की थी। शुरुआत में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, वहीं अर्ली हड़प्पन में पक्की ईंटों की दीवार भी पाई गई है। उनकी टाउन प्लानिंग बड़े ही गजब की है। उस वक्त भी इंजीनियर होंगे, इसके अभी कोई सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से ये शहर बसाया गया था उससे साबित होता है कि इसको पूरी प्लानिंग करके ही बसाया गया होगा। बता दें कि राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन सभ्यता को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के मार्गदर्शन में चौथी बार इन टीलों पर खुदाई की जा रही है। शनिवार को खुदाई के दौरान यहां आभूषणों के मिलने को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्राप्त सोना काफी कम मात्रा में पाया गया है,
इसके अलावा उस पर उस वक्त की लिखी हुई लिपि भी दिखाई दे रही है। इस लिपि को पढ़ने के प्रयास जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस खुदाई से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं जो इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य अजब गजब खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।